वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कंपनी सेटअप में रिपोर्ट सेटअप में दिए गए इन पांच ऑप्शंस के बारे में। चलिए देखते हैं रिपोर्ट टाइप डिफॉल्ट का सेटअप। गो टू सेटअप, कंपनी सेटअप एंड रिपोर्ट सेटअप। यहाँ जनरल सेटअप में रिपोर्ट टाइप डिफॉल्ट का ऑप्शन देख सकते हैं। इस सेटअप का यूज रिपोर्ट प्रिंटिंग के लिए होता है। प्रिंट विंडो में जहाँ भी ये ऑप्शन होगा वहाँ पर ये सेटअप अप्लाई होगा। इस सेटअप में जो वैल्यू सेट किया होगा उसी के मुताबिक रिपोर्ट प्रिंट होगी। ये सेटअप का इफेक्ट हम रिपोर्ट्स जैसे लेजर और फाइनल स्टेटमेंट्स में देख सकते हैं। रिपोर्ट टाइप ऑप्शन में वर्टिकल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। अभी हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल सेट किया है। सेटअप को सेव करें और इसका इफेक्ट देखते हैं। गो टू रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक एंड लेजर में जाए। यहाँ स्पेसिफिक लेजर सिलेक्ट करें और प्रिंट बटन पर क्लिक करें या कंट्रोल प्लस पी प्रेस करें। यहाँ प्रिंट विंडो में हम रिपोर्ट टाइप का ऑप्शन देख सकते हैं। रिपोर्ट टाइप हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चलिए इस रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट हॉरिजॉन्टल वे में प्रिंट हुई है। हॉरिजॉन्टल मीन्स कॉलमनर रिपोर्ट, जिसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों की कॉलम होगी। अगर हमने वर्टिकल सिलेक्ट किया तो रिपोर्ट प्रिंट इस तरह से दिखेगा। वर्टिकल रिपोर्ट स्टाइल में रिपोर्ट क्रेडिट और डेबिट दो सेक्शन में बढ़ जाएगा। हमारा अगला सेटअप है डिस्प्ले विथ फॉर डॉक्यूमेंट नंबर। इस सेटअप से हम डॉक्यूमेंट नंबर या बिल नंबर की कॉलम की विथ इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में जहां पर भी लिस्ट शो होगी वहां पर उनकी कॉलम की विथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इस सेटअप से बिल नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर की एंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 15 सेट होगा। मिनिमम रेंज 15 होगी और मैक्सिमम रेंज 25। अगर यहाँ हमने 15 सेट किया है तो बिल नंबर की विथ ऐसे शो होगी। अभी हम यहाँ 25 सेट कर रहे हैं। चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ परचेज इनवॉइस में हम बिल नंबर की कॉलम की विथ इंक्रीज हुई देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेटअप है डिस्प्ले विथ फॉर वाउचर नंबर। ये सेटअप डिस्प्ले विथ फॉर डॉक्यूमेंट नंबर के सेटअप जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वाउचर नंबर की विथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अगर यहाँ हमने 15 सेट किया है तो वाउचर नंबर की विथ ऐसे शो होगी। हमने यहाँ 25 सेट किया है। चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ परचेज इनवॉइस में हम वाउचर नंबर की कॉलम की विथ इंक्रीज हुई देख सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट डिस्प्ले लॉन्ग वाउचर नंबर। इस ऑप्शन का यूज फुल प्रीफिक्स वाउचर नंबर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। बाय डिफॉल्ट इसकी लिमिट 5 कैरेक्टर्स की होगी और वाउचर नंबर की लिस्ट ऐसे दिखेगी। जैसे ही हम यहां यस सेट करते हैं तो प्रीफिक्स की लिमिट 10 कैरेक्टर विथ स्पेस हो जाएगी। चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। यहां सेल्स एंट्री की लिस्ट में हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं। लास्टली हम कवर प्रिंटिंग डिटेल का सेटअप देखते हैं। इस ऑप्शन का यूज कंपनी की मल्टीपल डिटेल्स को फाइनल स्टेटमेंट के कवर पेज पर प्रिंट करने के लिए होता है। कवर प्रिंटिंग डिटेल्स में जाए, यहाँ पर डिटेल सिलेक्ट करें। चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ बैलेंस शीट के कवर पेज पर हमारी सिलेक्ट की गई डिटेल्स का प्रिंट देख सकते हैं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।